तेजस्वी और करण के बीच में रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, इस बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दोनों से साफ साफ सवाल किया गया, जिस पर तेजस्वी ने जहां करण को बॉयफ्रेंड बोला वहां करण ने कैजुअली ये बोल दिया कि अब इसने मुझे बॉयफ्रेंड बोल दिया है। हालांकि सवाल ये भी उठे कि आप दोनों की एज में 10 साल का गैप है। इस पर बहुत ही कन्वीनियंटली तेजस्वी ने जो जवाब दिया है वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। दरअसल तेजस्वी करण से पूछा गया रिश्तों के बारे में, उनके एज गैप के बारे में। ज़्यादातर सवाल जो है वो तेजस्वी करण के लिए ही थे, उनके प्यार को लेकर, गेम को लेकर, उनके बॉन्ड को लेकर, दूसरे लोगों के साथ दोस्ती को लेकर, उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर, तेजस्वी के टोन को लेकर, करण को लेकर कि आपकी बॉन्डिंग सबसे है लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी को क्यों लगता है कि आप जो है शमिता को जाके एक्सप्लेन ना करें। मतलब हर तरीके के सवाल थे जो तेजस्वी करण से, मतलब अगर मैं कहूँ तो 10-15 सवाल तो सिर्फ तेजस्वी करण से ही हुए हैं। ऐसे में अब जो है हम आपको बता दें कि जो एज गैप है दोनों के बीच में उसको लेकर भी सवाल उठे, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे मम्मी पापा के बीच में भी 10 साल का गैप है। यानी कि तेजस्वी उस लेवल तक जाकर सोच चुकी हैं कि अगर शादी करनी हुई तो क्या परिवार से इस बात को लेकर प्रॉब्लम होगी, क्या परिवार इस बात पर सवाल उठाएगा या आपत्ति उठाएगा कि दोनों के बीच का एज गैप बहुत ज़्यादा है। तो इसके लेकर तेजस्वी ने साफ साफ कहा कि नहीं, मेरे मम्मी पापा के बीच में भी 10 साल का एज गैप है। तो जाहिर सी बात है कि शादी तक के बारे में, एज गैप तक के बारे में शायद वो सोच चुकी है, क्योंकि जैसे ही सवाल गया उनका जवाब बहुत ही तुरंत था। यानी कि वो मेंटली जो है इस बात को सोच चुकी होंगी कि 10 साल का गैप है। बार बार करण भी अपने एज गैप के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ही इस बात का जिक्र किया पहले, उसके बाद ये सवाल उठा था एज गैप वाला। हालांकि बहुत नॉर्मल होता है 8-10 साल का गैप, लेकिन जब तेजस्वी से बात उठी तो उन्होंने ये साफ कहा, जिस पर करण जो है शर्म से लाल हो गए कि तेजस्वी जो है यहाँ तक सोच रही है कि हाँ शादी के बारे में सोचा जा सकता है। करण ने यह भी बोला कि अरे मुझे तो बाहर जाते साथ सबसे पहले तेजस्वी का फोन नंबर मांगना होगा, मतलब मैं 2-3 महीने किसी लड़की के साथ हूँ, उसको पसंद कर रहा हूँ, बातें कर रहे हैं, हालांकि मैं उनके परिवार के बारे में नहीं जानता, इसकी ज़िंदगी का पेस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, क्या प्रोजेक्ट्स है, कितना काम है, क्या करती है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इसके दोस्तों को भी नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरे पास तो फ़ोन नंबर भी नहीं है। बाहर जाते साथ सबसे पहले कहूँगा कि तेजस्वी अपना फ़ोन नंबर तो दे दे भाई। तो इस बात को सुनकर तेजस्वी भी काफ़ी हंस रही थी। तो एक बात तय है कि ये लोग अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने तक के बारे में जो है वो सोच जरूर रहे हैं, और ये चीज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ देखी गई।